इसराइल हमास युद्ध में लाख विरोधों के बावजूद अमेरिका इसराइल की ढाल बनकर खड़ा हुआ है, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसराइल के खिलाफ प्रस्ताव हो या फिर इसराइल को हथियारों की सप्लाई। इन सभी मोर्चों पर अमेरिका ने अभी तक इसराइल का साथ दिया है। और यहां तक कि हाल ही में अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में एंटी इजराइल प्रदर्शनों को भी अमेरिकी एजेंसियों ने कुचल कर रख दिया। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर इजराइल को लेकर भारी दबाव है, क्योंकि अमेरिका में कई संस्थाएं गाजा में तुरंत युद्ध रुकवाने की मांग कर रही हैं। लेकिन अब अमेरिकी सांसद लिंडसी ग्राहम का एक ऐसा बयान आया है जिसने गाजा तक सनसनी फैला दी है। दरअसल अमेरिकी सांसद लिंडसी ग्राहम ने कहा कि इजराइल को अपना अस्तित्व बचाने के लिए गाजा में जंग जीतनी है, इसके लिए उन्हें सब कुछ करने की जरूरत है। जब अमेरिका ने आम नागरिकों की मौतों को नजरअंदाज करते हुए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया था, इजराइल को सब कुछ नजरअंदाज करते हुए युद्ध में जीत सुनिश्चित करनी चाहिए। आपको बता दें कि अमेरिका के एनबीसी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ग्राहम ने गाजा में बड़े पैमाने पर नागरिकों की मौत का ठीकरा हमास के ऊपर फोड़ा है। उनका कहना है कि इजराइल को तब तक युद्ध जारी रखना चाहिए जब तक कि उसे गाजा में अंतिम विजय हासिल ना हो जाए, भले ही इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अपने बयान में अमेरिकी सांसद ग्राहम ने आगे कहा, पर्ल हार्बर के बाद जर्मन और जापानियों से लड़ते हुए हमें एक राष्ट्र के रूप में विनाश का सामना करना पड़ा, तो हमने हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु हथियारों से बमबारी करके युद्ध को समाप्त करने का फैसला किया। तो इजराइल, तुम जो भी करो, यहूदी राज्य के रूप में जीवित रहने के लिए ये करना होगा। तुम्हें जो भी करना है तुम वो करो। आपको बता दें कि ग्राहम ने पिछले हफ्ते ही एक अमेरिकी समिति के सामने गाजा युद्ध को हिरोशिमा और नागासाकी स्टेरॉयड जैसा बताया था, और अब उन्होंने फिर से हिरोशिमा और नागासाकी को लेकर बयान दिया है। अपने इसी बयान में ग्राहम ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा कि अमेरिका इसराइल को युद्ध खत्म करने के लिए जिन बमों की जरूरत है उन्हें वो हथियार दिए जाए। वो युद्ध में हार बर्दाश्त नहीं कर सकते और गाजा में हताहतों की संख्या को कम करने के लिए भी उनके साथ काम करें। और अपने इसी बयान से पहले पिछले साल अक्टूबर 2023 में ग्राहम ने एक और बयान दिया था। सीएनएन न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ग्राहम ने कहा था कि जैसे अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान की जीत को रोकने के लिए हताहतों की संख्या पर कोई सीमा नहीं लगाई थी, उसी तरह गाजा में हमास पर इजराइल की जीत को लेकर भी हताहतों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लिंडसी ग्राहम अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। इजराइल हमास युद्ध शुरू होने से पहले उन्होंने यूक्रेन युद्ध पर भी एक विवादित बयान दिया था। उस वक्त ग्राहम ने कहा था कि रूसियों को मारने पर खर्च किया गया पैसा अभी तक का सबसे बेहतर खर्च है। और इस बयान के बाद उन्होंने दिसंबर 2023 में ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने को लेकर बयान दिया था।